Assalamualaikum। आज इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा बेबी टॉप आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मेजरमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये इस मेजरमेंट से आप लोग 3 से 4 इयर्स बेबी के लिए आप लोग इसको इजीली बना सकते हो। यहाँ पे मुझे तकरीबन 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक मुझे लगा इस ड्रेस को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर के लिए मैंने लिया है 7.5 इंच, नेक के लिए मैंने लिया है 3 इंच, और जो मेरी रिफ्यूल होगा बेल्ट होगा शोल्डर पे वो मैंने लिया है 3 इंच है इसकी चौड़ाई, और लंबाई जितना आप लोगों को पैलेट्स चाहिए उतना। वेस्ट और चेस्ट के लिए मैंने लिया है 20 इंच, और ये जो स्कर्ट है स्कर्ट के लिए मैंने लिया है 8 इंच, और नीचे का जो पैलेट है उसके लिए मैंने लिया है 3 इंच। ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो मैंने लिया है 9 इंच, और आर्म होल के लिए मैंने लिया है 5 इंच। तो इसमें जो मेन से 1 इंच कम ज़्यादा आप लोग ले सकते हो। तो ये बेसिकली ये जो माप है इससे नॉर्मली जो रेडीमेड जो ड्रेसेस होती हैं इस मेजरमेंट से ही होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कागज़ पे काटूंगी, उसके बाद मैं फैब्रिक पे काटूंगी। इससे बहुत आसानी होगी आप लोगों को समझने में, और इजीली आप लोग इसको समझ पाओगे। 4.5 इंच पे मैंने मार्क किया, तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्यों लिया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा था वो मैंने फोल्ड करके उसको मुझे स्टिच देना होगा, उसके लिए मैंने लिया है। शोल्डर की जो नीचे का डाउन मार्क है वो मैंने लिया है 1/2 इंच, आर्म होल के लिए मैंने लिया है 5 इंच, और इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लूँगी दो लाइंस को। अब मैं यहाँ से इस तरह से कोना करके 3 इंच पे एक मार्क करूँगी, ये मेरी नेक के लिए है, और ये जो नेक है थोड़ा वी के जैसे मैं दूंगी, राउंड शेप में नहीं दूंगी, थोड़ा सा वी टाइप का मैं दूंगी। इस तरह से मैं लेकर इसको ईजिली इसको एक कर्व लाइन दे दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरी चेस्ट मेजरमेंट है, जो आप लोगों का मेजरमेंट आता है उससे आप लोगों को 4 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे मैंने 20 इंच लिया था, तो डिवाइड करने से 5 इंच आया है, और 1 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। और यहाँ पे आप लोग मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोग कॉटन फैब्रिक लेते हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा लो, अगर जॉर्जेट फैब्रिक लेते हो तो आप लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लो। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 इंच, 1 इंच लेकर यहाँ पे एक कर्व सा लाइन में दूंगी इस तरह से। देने के बाद यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी, क्योंकि वेस्ट और चेस्ट दोनों सेम होगा, सो इसलिए मैंने सेम रखा। यहाँ पे 9 इंच पे एक मार्क करूंगी और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। करने के बाद यहाँ से मैं मेरी जो वेस्ट है वेस्ट से मैं 1 इंच मैं थोड़ा कर्व लाइन दूंगी। यहाँ से यहाँ पे 1 इंच का डिस्टेंस है और यहाँ पे एक कर्व लाइन दे दूंगी इस तरह से। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। और अब मैं क्या करूँगी, जो बैक नेक है बैक नेक को मैं निकाल दूंगी। तो यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का मैंने डीप लिया है, लेकर यहाँ पे एक राउंड शेप दे दूंगी, और ये है मेरी बैक पार्ट का। सबसे पहले मैं बैक पार्ट काटूंगी, उसके बाद मैं फ्रंट। तो यहाँ पे ये बॉडी जो है बॉडी का माप मैं कट कर रही हूँ, आर्म होल को और शोल्डर को, और बैक पार्ट का नेक को मैं काटूंगी। जब ये बैक पार्ट का जो पीसेस वो कट हो जाएगा उसके बाद मैं फ्रंट की जो नेक है उसको मैं कट कर लूँगी। ये है जो स्कर्ट है, स्कर्ट के लिए मैंने लिया है, लंबाई मैंने लिया है 8 इंच, और इसका जो चौड़ाई है तकरीबन 44 इंच का है। यहाँ पे मैंने फोल्ड करके यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे टोटल है 44 इंच ये स्कर्ट के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मेरी बैक पार्ट है, इसको मुझे जिपर लगाना होगा, और ये मेरी फ्रंट पार्ट है। मेरी फैब्रिक जो है थोड़ा कम था, सो इसलिए मुझे सेंटर पे एक स्टिच देना होगा इसको जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको जॉइंट कर लूँगी, और यहाँ पे मैं जिपर लगाऊंगी बैक पार्ट पे।
और यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी स्टिचिंग नेक थोड़ा स्प्रिट में होगा, क्योंकि अगर आप लोग स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहो तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो किस तरह से मैंने जिपर लगाया है। पर फिर भी जो लोग नए हों उन लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा स्प्रिट में मैं ये वीडियो दिखाऊंगी। ये 3 इंच का चौड़ाई मैंने दिया है और ये स्ट्रीप है स्कर्ट की जो नीचे का पार्ट है उसके लिए, और इसको दो बार मैंने फोल्ड करके इसे स्टिचिंग करना होगा। और यहाँ पे मैंने इसको जो स्टिच दिया उसके बाद यहाँ पे मैंने चाप स्टिच भी दिया। यहाँ पे ये जिपर लगाना होगा, यहाँ पे इसको माप लेकर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट नीचे का जो हिस्सा है इसको मुझे स्टिच करना होगा। तो अब मैं इसको स्टिच करके जो एक्स्ट्रा पार्ट था फैब्रिक फोल्ड करने का, वो फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ इस तरह से देकर पिन से इसको सिक्योर कर लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से पिन से ब्लॉक कर लूँगी। तो इसी तरह से आप लोग बहुत ही कम समय में इस जिपर को लगा सकते हो, और यहाँ पे मैं लगा लूँगी। अब यहाँ पे जिपर फुट जो होती है, जो जिससे आप लोग जिपर को स्टिच करोगे, उस फुट से मैं यहाँ पे इसको आराम से इसके इजीली आप लोग इसको स्टिच कर सकते हो। यहाँ पे एक स्टिच से ही आप लोग इस तरह से ड्रेसेस के लिए, बेबी ड्रेसेस के लिए, पैन के लिए आप लोग इजीली इसको स्टिच कर सकते हो। ये बहुत एक सिंपल सा तरीका है, ये बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। जब ये हो जाएगा उसके बाद हाफ सेंटीमीटर जो जिपर का जो बॉर्डर है साइड पे, उस बॉर्डर को इसको अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए यहाँ पर भी मैं स्टिच दे दूँगी। जब ये हो जाएगा एक्स्ट्रा जो पार्ट है जिपर का उसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं सेम मेजरमेंट का जो मेरे नेक के लिए था उसके जैसे मैं एक बॉर्डर मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। और जो थोड़ा बहुत जिपर था एक जो सख्त पार्ट है उसको मैंने कट करके उसको फेंक देना है। ये जो पार्ट है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ये पार्ट, क्योंकि ये चाप स्टिच आप लोग जब दोगे तब ये आप लोगों को स्टिचिंग के समय बहुत ही दिक्कत होगी, सो इसलिए आप लोग इसको कट कर लो। ध्यान से स्टिच कटना नहीं चाहिए और फैब्रिक कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको शेप करके मैं सिर्फ देख रही हूँ कि ये अच्छी तरह से होता है क्या नहीं। ये अच्छी तरह से होता है तो अब मैं क्या करूँगी, ये दूसरा जो साइड है उसको भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। करने के बाद जहाँ जहाँ पे राउंड सा शेप आया है वहाँ वहाँ पे छोटे छोटे करके कट कर दूँगी। जब दोनों पार्ट्स एक साथ स्टिच हो जाएगा उसके आप लोगों को क्या करना है, जो शोल्डर्स है दोनों को नेक इस तरह से फेस टू फेस रख के, जो जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे इसको फेस टू फेस रख के आप लोगों को यहाँ पे स्टिच करना होगा। स्टिच करने के बाद आप लोगों को चाप स्टिच भी देना होगा, फ्रंट से लेकर बैक साइड फ्रंट साइड एक स्टिच को स्टिच में आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। अब मैं यहाँ पे इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक चाप स्टिच दे दूंगी। तो यहाँ पे मेरी ये चाप स्टिच मैं दे रही हूँ। जब ये चाप स्टिच हो जाएगा उसके बाद हाफ सेंटीमीटर मैंने फोल्ड करके यहाँ पे जो हैंड स्टिच हम देते हैं वो स्टिच देना होगा। जो हमारी नॉर्मली नेक के लिए हम लोग देते हैं ठीक वही स्टिच हम लोगों को देना होगा। जब ये स्टिच हो जाए मुझे डायरेक्ट मेरी जो स्कर्ट है, मैंने स्कर्ट की जो नीचे का पार्ट है उसको मैंने स्टिच करके रख दिया था, जो फोल्डिंग फूड है उसको मैंने बॉर्डर को स्टिच किया है। आप लोगों को आसानी के लिए मैं वीडियो में इस वीडियो में कटिंग स्टिचिंग ग्राफिंग सब एक साथ दिखा रही हूँ। इसमें होगा कि आप लोगों को 2-3 वीडियोस देखना नहीं पड़ेगा, एक वीडियो में आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये है आर्म होल, आर्म होल को मैंने दो बार फोल्ड किया है। जिन लोगों के पास फोल्डिंग फूड नहीं है वो लोग क्या कर सकते हो, इसको छोटे छोटे करके दो फोल्ड करो। करने के बाद नॉर्मल जो स्टिच है सीधा जो स्टिच होता है वो स्टिच देके इसको कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे मैंने एक साइड को किया है, मुझे दूसरा जो साइड है उसको भी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा।
अगर आप लोग चाहो कि नहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सो आप लोग क्या कर सकते हो, जो जिस तरह से हम लोग नेक को स्टिच किया है, नेक की बॉर्डर को, सेम आप लोग हैंड के लिए भी, आर्म होल के लिए भी उस तरह से स्टिच कर सकते हो। तो ये है बेल्ट का पार्ट जो मेरी टॉप पे रहेगा, जो साइड पे रहेगा आर्म होल के पास। तो इसको मैंने यहाँ पे, मैंने कोई मेजरमेंट मैंने नहीं दिया लंबाई, जिस चौड़ाई मैंने दिया है 3 इंच, क्योंकि लंबाई मैंने यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा रिफ्यूल चाहते हो तो आप लोग इसको छोटे छोटे करके पैलेट जो है उसको बड़ा कर दो। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं इसमें थोड़ा कम होगा पैलेट्स, सो आप लोग इसको कम करके दो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कितना रिफ्यूल आप लोग चाहते हो। तो यहाँ पे मैं मीडियम सा रखूँगी, सो इसलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैं दूंगी फ्रंट से लेकर बैक तक। देने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर का फैब्रिक लेकर यहाँ पे छोटे छोटे करके पैलेट्स देकर इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी। जो लोग नए हो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, आप लोग इसको पिन करके लो, तो इससे होगा क्या, जब आप लोग स्टिचिंग करोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे कोई पिन से इसको ब्लॉक नहीं करूँगी, मैं सीधा फैब्रिक को छोटे छोटे पैलेट्स करके दूंगी, क्योंकि इससे इस तरह से मुझे आसानी होती है। आप लोगों को जिस तरह से आसानी होती है, आसान लगता है, आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे पैलेट्स को दे दूंगी। फ्रंट से लेकर मुझे बैक पार्ट तक मुझे ये स्टिचिंग देना होगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे करके मैं पैलेट्स दे रही हूँ, मेरी ये तकरीबन हो गई। अगर आप लोग चाहो, जहाँ पे मैंने ये स्टिच दिया है बॉर्डर के, यहाँ पे आप लोग लेस भी अटैच कर सकते हो, अगर आप लोग इसको कवर करना चाहो। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रखूँगी, मैं कवर नहीं करूँगी, सो इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा। अगर आप इसको थोड़ा हेवी करना चाहते हो इसका लुक, तो यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर का जो लेसेस होती है उसको आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बैक तक लगा लिया है दोनों साइडों पे, देख सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगी, जो टॉप पार्ट है उसको मैं साइड पे रख के स्कर्ट को मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो ये है पैलेट्स के लिए जो मैंने स्ट्रीप लिया था, इसको मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और ये मेरी जो स्कर्ट है, स्कर्ट का पार्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, राइट को राइट तरफ पे रख के यहाँ पे तकरीबन 3 पैलेट्स में दूंगी। यहाँ पे पैलेट्स छोटा या फिर बड़ा आप लोग इजीली अपनी जमीन से दे सकते हो, जितना आप लोगों को अच्छा लगे, पर 3 जितना भी डिस्टेंस हो पर 3 पैलेट्स आप लोग देना। यहाँ पे 2 मैंने दिया है, तकरीबन 1 इंच का फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है, 3 सेंटीमीटर स्पेस मैं छोड़ के फिर से 3 पैलेट्स मैं यहाँ पे दूंगी। इसी तरह से मुझे एक साइड से लेकर दूसरी तरफ मुझे जाना होगा। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे करके पैलेट्स दे रही हूँ। जब ये ड्रेस कंप्लीट हो जाए, चारों तरफ से आप लोगों को पीको करना होगा या फिर आप लोगों को जिगजैग स्टिच से इसको सिक्योर करना होगा। और यहाँ पे तकरीबन मुझे 1/2 मीटर से भी कम फैब्रिक लगा ये ड्रेस बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, टॉप पार्ट को, जो बॉडी का पार्ट है उसको मैंने स्टिच कर लिया है, और अब मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। स्कर्ट का जो जॉइन वाला पार्ट है वो ड्रेस की साइड पे रखे रहेगा, ड्रेस के दोनों साइड पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको छोटे छोटे करके पैलेट दूंगी, देकर इसको पिन से इसको सिक्योर कर लूंगी। जब ये हो जाए उसके बाद मैं चारों तरफ इसको स्टिच करके, जिगजैग स्टिच करके इसको मैं फिनिश कर लूंगी। तो ये बहुत आसानी सा तरीका है, इससे आप लोग कोई भी मेजरमेंट से आप लोग इस टाइप की ड्रेस आप लोग बना सकते हो। इस टाइप की ड्रेस आप लोग अडल्ट पर्सन के लिए भी इजीली कर सकते हो, सिर्फ जो मेजरमेंट है वो आप लोगों की मेजरमेंट से लेना होगा।
और जो मेजरमेंट आए बॉडी के लिए आप लोगों को 4 से डिवाइड करके आप लोगों को लेना होगा। तो यहाँ पे तैयार है और मैंने स्टिचिंग, कटिंग और ड्रफिंग सब एक वीडियो में दिखाया। थोड़ा लॉन्ग है बट पूरी वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और पास में जो बेल आइकन बटन है इसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा जब मैं न्यू कोई वीडियोस दूंगी तब। और अगर आप लोगों को कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो आप लोग मुझे कर सकते हो, और आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो मेरे साथ फोटोज़ भी शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो ये वीडियो देखने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कोई डिफरेंट एक वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। बाय।